वो जो नया मैकबुक आया है तो वो ना मुझे चाहिए है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो और अभी कुछ टाइम हो रहा है 11:25 और आज मैं जल्दी उठ गया अपने टाइम के हिसाब से, मतलब पहले 12:30 के आसपास उठता था तो आज थोड़ा जल्दी उठाऊँ। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, एक घंटा पहले उठाऊँ, लेकिन फिर भी एक घंटा बहुत है। तो अभी जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आज का वर्कआउट करेंगे हम लोग। हर जो सुबह डेली व्लॉग्स आ रहे हैं 11:00 के आसपास, तो यूट्यूब से ही सेट करके मैं सो जाता हूँ और फिर वो सुबह अपलोड हो जाते हैं 11:00, तो यही टाइम है और इसी टाइम पर व्लॉग्स अपलोड हुआ करेंगे। ऑमलेट बन रहा है और ये रही ब्रेड, और आ गया है ब्रेड ऑमलेट, और मैं ब्रेड के अंदर ऑमलेट डाल के खाता हूँ। पहले मम्मी नॉर्मल दे रही थी पूरा प्लेट पे एग रख के और ब्रेड अलग से, बट मैंने मम्मी को बोला कि ऐसे ही दिया करो, चाय पी लो फ्रेंड्स, और ब्रेकफास्ट चाय के बिना ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं वर्कआउट के लिए हो चुका था रेडी और टाइम हो रहा है 12:47, फिर लेट हो गया मैं वर्कआउट के लिए क्योंकि जो आर ओ होता ना, जो किचन में लगे होते हैं पानी के लिए, वो हो चुका था ख़राब। तो हमने कल अर्बन क्लैप वालों को ऐप से बुलाया था कि वो आर ओ ठीक कर जाएं, तो वो अभी आए थे 11:30 के आसपास और एक घंटा लग गया उसको ठीक होने में। तो ठीक हो रहा है, मैं वहाँ पे जाके मैं पानी भी नहीं ले सकता क्योंकि वो पूरे किचन के अंदर अपना सामान वगैरह जो है वो लगा के फैला के बैठे हुए हैं। तो देखता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ वो। तो यार आज तो प्री वर्कआउट ले नहीं पाया क्योंकि जब मैंने आपको भी किचन दिखाया था तो मैंने मल्टीविटामिन ले लिए, वही बहुत है अभी के लिए। आप लोग जो क्लिप्स हैं वो इन्जॉय करना। All I need is 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. तो यार वर्कआउट हो चुका था कंप्लीट और अभी तक किचन का काम हुआ नहीं है, तो मैं प्रोटीन तो पी नहीं सकता, थोड़ी देर बाद ही पीऊँगा प्रोटीन। अब तो यार मैं आ गया था फ्रेश होके एकदम, और अब आके आराम से बैठेंगे थोड़ी देर, फिर लंच की वेट करेंगे, पता नहीं क्या बनाया है। तो यार मम्मी बोल तो रही थी कि बनाएंगी चिकन, लेकिन शायद रात में बनाएंगी, तो अभी दोपहर का तो पता नहीं, सीन लगता नहीं है। जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना तो मैं इस पर गाने सुनता हूँ, और इसके ऊपर अभी कपड़ा रखा हुआ है सफाई के लिए। तो ये ख़राब हुआ था और अब ये ठीक हो चुका है पूरा, पानी भी भर चुका है अंदर, तो इस वजह से मैं प्रोटीन नहीं पी पाया, ना प्री वर्कआउट ले पाया, ना अमीनो वगैरह पी पाया। तो यार सुबह ना सामान आया था और ये किट कैट्स ये सब, मतलब ये मैं ज़्यादा तो नहीं खाता, ये आस्था मम्मी और हम सब थोड़ी थोड़ी खाते हैं, लेकिन मैंने मम्मी को बोला था कि जो ये ग्रीन वाले ओरियस होते हैं ना ये मंगवा देना, ठीक है। ये मम्मी भूल ही गई मंगवाना, मम्मी ने ये लेज मंगवा लिए, ओरियस ब्लू वाले मंगवा लिए, और लेकिन ग्रीन वाले पुदीना जो मेरे फेवरेट हैं वही भूल गई। लोग ना बाहर जाते नहीं हैं तो ये सारा सामान जो है ऑर्डर करते हैं तो बाहर से आता है, एंड 11 बजे से पहले शॉप्स खुली होती हैं तो हमें दे जाता है। और अभी ना मम्मी से जाके पूछता हूँ कि बाकी के ओएस जो है मेरे पसंद वाले वो मंगवाया, मम्मी आपने मंगवाए हैं मेरे ओएस जो है ना आपको बोले थे कितने, 10 पैकेट देख रहे हो, चौड़ देख रहे हो, मतलब मेरी 10 पैकेट सीधा, लेकिन मैं अकेले नहीं खाता यार, ये मत सोचना कि मैं अकेले ही सारी चीज़ें खाता हूँ। तो मैं अभी पता क्या करने वाला हूँ, अभी ना मम्मी के पास जाऊँगा, और अभी आप लोगों को पता है कि एक नया मैकबुक एयर आया है, M1 चिप वाला है, पता नहीं कब आया था बट बहुत सुंदर है, लेटेस्ट चिप है उसके अंदर, गोल्ड कलर का, बहुत प्यारा लगा मुझे, तो बात करूँगा जाके। हम ना अभी 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे कि गोल्ड ने मतलब मुझे लेने का मन कर रहा है कि वो मैकबुक आया नया, तो एक बारी ना मम्मी से ना देखते हैं मम्मी क्या बोलती है मुझको, भाई पता नहीं, देखो 3-4 दिन पहले हमने बात तो करी थी अपनी मम्मी, अभी हम 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे ना, वो जो नया मैकबुक आया तो वो ना मुझे चाहिए। क्या मुझे चाहिए? मैकबुक वो गोल्ड वाला। तो लो ना बेटा, दिलवा दोगे आप? मैं क्यों दिलवा दूंगी, खुद कमाओ और खुद खरीदो, ये क्या बात हुई, ले दोगे ना, लो ना लो, अपने आप से लो, कमाओ कमाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बेटा सीखो ना कमाना, फिर पता लगेगा मैकबुक कैसे लेते हैं। बेइज्जती कर दी पूरा,
ये बोल देते आप कि पापा से पूछ ले जाके मेरे पास क्यों आया है, आपने ये भी नहीं बोला। नहीं, सीधा बोल रही है मम्मी कि रहन दे, अभी पापा का भी एक दरवाज़ा बंद है। और तो देखो मेरे हाथ में ना कैमरा तो था, लेकिन मम्मी को पता नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसे कैमरा लेके ना घूमते रहता हूँ, तो ऑन होती है कभी रिकॉर्डिंग, कभी नहीं होती है। मैं ऐसे ही बैठ के मम्मी से बात करता रहता, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी मेरे हाथ में कैमरा था और ये मैकबुक की बातें कर रहे थे, तो मैं अभी भी ऐसे चला गया नॉर्मल अंदर। और जब जाके पूछा कि मैकबुक के लिए, तो मम्मी ने ये भी नहीं बोला कि पापा से पूछ ले बेटा, नहीं सीधा ले लो बेटा, अपनी कमाई से लो। भाई हर पेरेंट्स यही बोलते हैं, लेकिन मुझे ये लगा था कि मम्मी बोल देंगी कि ले लो, मैं दिलवा देती हूँ। और मुझे चाहिए था एडिटिंग वगैरह के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास मैकबुक है, लेकिन वो एयर है जो सिल्वर वाला होता ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में 2016 में आया था, वो वाला है मेरे पास। और वो भी अब मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं सेल कर दूँ। मैंने 12th क्लियर करी थी ना, तब मुझे पापा ने दिलवाया था वो, और उसको अब कितना टाइम हो गया, इतना सारा टाइम हो गया। और वो सबसे पहला, मतलब जो सबसे बिल्कुल लोअर मॉडल होता है ना सिल्वर कलर का, जो मैकबुक एयर 13 इंच आता है, वो था मेरे पास। तो मैंने वो नया देखा कि मैकबुक आ रहा है, तो ये सोचा इसको सेल कर देते। साल हो गए, मैंने अराउंड 2017 में लिया था और आज 2021 हो गया, तो इतने साल तक चलाया मैंने उसको। और फिर PC बिल्ड किया था मैंने। और देखो रही बात लेने की, तो देखो अगर नीड हुई चीज़ की तो फिर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी मेरे को फिलहाल नीड है नहीं। तो मैंने ये भी अभी जाके मम्मी को इसलिए बोला था क्योंकि 3-4 दिन पहले ना हमारी सबकी बात हो रही थी कि वो नया एक मैकबुक आया गोल्ड कलर का, बहुत अच्छा है, नई चिप है वगैरह, तो ये सब तो मैं बात कर रहा था, बट कलर वगैरह दिखा रहा था कि कितना अच्छा आया है। अभी मेरा PC में काम चल रहा है, नीड होगी वो मैकबुक लेने की तो ले आऊँगा, और फिर मम्मी को बताऊँगा नहीं कि मैं लेने जा रहा हूँ, खुद ही लेके आएंगे कि लिया, तो जाके सीधा मम्मी को दिखाएंगे कि मम्मी ये मैं ले आया हूँ और ये देखो आपको कैसा लगा, कलर कैसा है इसका। फिलहाल मुझे नीड नहीं लग रही, तो अभी के लिए तो नहीं ले रहे। तभी पूछा था जाके कि क्या रिएक्शन रहेगा, और वो रिएक्शन तो मम्मी का आप लोगों ने देख लिया। अभी चीज़ लेनी है ना वो है ये कैमरा के लेंस। ये जो लेंस है ना ये बिल्कुल बेकार से हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि बिल्कुल गिरा गिरा के इतनी हालत ख़राब कर दी इनकी। जो चिकन था जो मम्मी ने बनाना था वो बनेगा रात में, और वो इसलिए क्योंकि जो RO वाले आए थे ना ठीक करने के लिए अर्बन क्लब से, उनका काफ़ी टाइम लग गया था, तो अब मम्मी बनाएंगी तो रात में बनेगा। और अभी पता है मम्मी ने क्या दिया मुझे खाने को, ये मैंगो और खरबूजा भाई, जो कि कल भी खाया था, आजकल रोज़ दोपहर में यही मिल रहा है खाने को अपने रूम में। और आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रीम भी स्टार्ट करना शुरू हो चुका हूँ, तो PC ऑन कर देते हैं। अभी स्ट्रीम तो अभी नहीं कर रहा, बट थंबनेल्स और एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए अभी ऑन कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी क्या हुआ कि मैंने PC तो ऑन कर दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाना चाहिए। PC मैं वापस बंद तो कर नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद जब उठूंगा तो फिर थंबनेल्स और ब्लॉग एडिट करता हूँ अभी। तो देखो गाइस अभी उठा हूँ मैं, अप्रॉक्स 5:30 हो रहा है। मैं जैसे अभी रूम से बाहर आया तो मुझे देखा पड़ा हुआ और भाई अब ये खाने का मन कर गया। और इस टाइम पर ना डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही है, जो दिख रहा है खाने का मन कर रहा है बस वही खा रहे हैं। तो अभी ये लास्ट पैकेट है और बाकी ये कल आ जाएंगे, मम्मी मंगवा चुकी हैं। तो यार जो दोपहर में मैरिनेट होना था वो मम्मी अब इस टाइम पे मैरिनेट कर रही है, और ये बटर चिकन बनेगा रात में, मज़ा आ जाएगा। मम्मी इसको वैसे कितना देर लगता बनने में? हाँ इसको रेफ्रिजरेट करेंगे बस। अच्छा चलो भाई बनने देंगे, मस्त रात में खाएंगे। देखो अच्छे से देखो, ये देखो देखो। तो यार मैं ऊपर आया था और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, देखो भाई साहब इतना प्यारा मौसम हो रहा है, क्या हवा चल रही है यहाँ पे भाई, क्या मौसम है तुम बढ़िया। वो ऐसा मौसम हो रहा है कि कहीं पे बिल्कुल घूमने का, जैसे मसूरी शिमला वगैरह जाओ इस मौसम में, इतना ऐसा मौसम हो रहा है, ये देखो पूरा पीछे। और अब तो मुझे बहुत वेट है यार कि भाई जल्दी से ये कोविड और लॉकडाउन हटे, बाहर निकलें और बिल्कुल घूमने जाएं। तो अब प्यारा मौसम हो रहा है। अभी रूम में आए 1/2 आवर हो चुका है, और मैं काफ़ी देर से अभी तक मैंने ना थंबनेल बनाया ना कोई ब्लॉग एडिट किया है। और जैसे मैंने यूट्यूब खोला ना, तो मुझे मैंने वैसे उनको सब्सक्राइब कर रखा है, और उनका चैनल का एक वीडियो बहुत पुराना है, वो वीडियो एकदम रिकमेंड हो गया, तो मैं वीडियो देख रहा था वो, बहुत मज़ा आ गया इनकी वीडियो देख के। P-Poy नाम करके बंदा है एक, तो उनकी वीडियो देख रहा था मैं। तो यार मतलब इन्होंने इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स वीडियोस बना रखी है, मैंने एक रिकमेंड हुआ ना वीडियो, तो उसके बाद मैं 2-3 वीडियोस और देख चुका था। तो और अब मैं थंबनेल्स वगैरह एडिट करता हूँ, थंबनेल भी बना लिए थे 2-3, और व्लॉग भी एडिट कर दिया था आधा एडिट किया अभी तो। और टाइम हो रहा है 8:02, और अभी मैं जाके बाहर बैठता हूँ, काफ़ी देर से अंदर ही बैठा हूँ एक जगह पर ना, काफ़ी देर यार बैठा नहीं जाता, तो बाहर जाके बैठता हूँ। तो यार ये ना अभी अभी ऊपर से आया घूम के, और इसको ना किचन के आगे आके खड़ा हो गया, क्योंकि इसको खुशबू आ गई होगी कि चिकन बन रहा है, और वहीं किचन की तरफ ही देख रहा है। आजा आजा आजा, ओए ओए ओए।
खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ओ भाई चप्पल उतार दे तो। उए, कहां जाएगा? है ना? बस पापा के पीछे भाग रहा है। पापा आपको बोल रहे हैं खेलने के लिए, उसको पता है ना मैं खेलता हूँ इस टाइम पे। कभी भी खेल रहा था, खेलने के लिए। तो देखो फ्रैंक अभी भी वेट कर रहा है, अभी इसको मिलने वाला है। और हमारा तो आ गया है मस्त बटर चिकन और रोटी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट पापा, गुड नाइट आस्था। तो मैं आ गया था अपने रूम में डिनर करने के बाद, एंड अब बैठूंगा थोड़ी देर और उसके बाद फिर ब्लॉग एडिट करना है। तो लेटने के बाद ही करूँगा, थोड़ी देर बाद ही, रेस्ट करने के बाद। अभी कर रहा था एडिटिंग एंड टाइम हो रहा है 12:55, तो ज़्यादा नहीं रहती, थोड़ी सी रहती है, फिर एडिटिंग करने के बाद सो जाऊँगा। और आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।